स्कॉटलैंड में साल के 365 में से तकरीबन 200 से 220 दिन तक बारिश होती है। अब सवाल ये है कि इस बारिश ज़्यादा मुल्क में फिट कैसे रहा जाए, क्या स्पोर्ट खेला जाए और कहाँ खेला जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जब हर तरफ बारिश हो रही है तो क्या किया जाए। इसका हल ख़ास तौर पर हम स्कॉटिस्तानी दोस्तों ने निकाला है, क्योंकि हमारा फेवरेट खेल है क्रिकेट। आज आपको एक ऐसे क्रिकेट क्लब में लेके चलता हूँ जो आज से नहीं कुछ सालों से काम कर रहा है, और ये है इंडोर क्रिकेट क्लब, बेलशिल क्रिकेट क्लब। चलिए दोस्तों मेरे साथ टू बेलशिल क्रिकेट क्लब। क्रिकेट इसलिए चूज की गई कि हम लोग पाकिस्तानी क्रिकेट को समझते हैं, हम खेलते हैं, हम लोग को प्यार है, मतलब का पैशन है क्रिकेट के लिए। मुझे इधर रहते हुए कोई तकरीबन 20 साल हो गए, तो मैं क्रिकेट खेलता भी था, खिलाता भी था, खुद भी मैं कोच हूँ, बच्चों की कोचिंग भी करता हूँ क्रिकेट स्कॉटलैंड के लिए। तो हम लोग जो है ज़्यादातर जो न्यू जनरेशन है फुटबॉल की तरफ जी, ठीक है। हम लोगों के जो पाकिस्तानी हैं स्पेशली दे आर डिफरेंट प्रोफेशन, सम वर्क वर्क डॉक्टर, अकाउंटेंट हैं, कोई टैक्सी करते हैं, कुछ टेक हुए हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता। अगर वो पूरे का पूरा दिन लगाते हैं, सैटरडे संडे लीग खेलते हैं, तो मुश्किल हो जाती है उनके लिए। तो हम लोगों ने किया कि हमने 3 साल पहले बेलशिल क्रिकेट क्लब बनाया। ओके हाँ जी, फिर उसको हम लोगों ने जो है शुरू किया, और इसमें यह है कि हम लोग इंडोर खेलते हैं। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास 16 से 20 लोग आते हैं, ठीक है। उसमें यह है कि हम लोग ये हॉल बुक करते हैं मदरवेल डीएल हाई स्कूल, और इसमें जब आते हैं आपको ना पैड की ज़रूरत है, ना आपको किसी और एक्सेसरी हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। आप आते हैं, बैट उठाते हैं, बॉल आते, अब दो घंटे आप खेलते हैं, जस्ट हिट द बॉल। तो लोग, आपको हैरानगी होगी कि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं इसके लिए। लोग एडनबरा से आते हैं, फॉलकट से आते हैं, ग्लासगो से आते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो लोकल हैं, और इसमें मुख्तलिफ प्रोफेशंस के लोग हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि उनको टाइम हमने इस तरह का रखा हुआ है 8 से 10 बजे शाम तक। हम लोग पिछले 2 साल से हम लीग खेल रहे हैं, ये क्रिकेट स्कॉटलैंड टेपबॉल लीग। हम रनर अप थे 2 साल पहले, लास्ट ईयर हमने विन किया उसको, और इस साल अनफॉर्चुनेटली कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से हम लोगों ने एंट्री नहीं की। ओके, लड़के नहीं जाना चाहते थे, दूर है, जो भी सिलसिला था। और इसके बाद है कि ये सीज़न हम लोगों का चलता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जब हार्ड बॉल का सीज़न शुरू होता है, दे डिस्ट्रीब्यूट ये चले जाते हैं, ये सब इधर उधर होते हैं, बिल्कुल। फिर उसके बाद है कि हम लोग इनडोर शुरू कर देते हैं हार्ड बॉल के साथ। ओके, इधर ही हम लोग करते हैं, तो उसमें कोचिंग भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अच्छा, इसकी कोई फीस वगैरह भी है इसकी, या किस तरह ये चलता है? हाँ जी, हम लोग 5 पाउंड लेते हैं पर जो प्लेयर है जो खेलने के लिए आता है। उसके बाद जो है कि ना, जो लोग एक्सेस पैसे बच जाते हैं, हम लोग उसके लिए कोई गेट टुगेदर कर लेते हैं, कोई फंक्शन, कोई प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। हर साल जो है ना 2-3 प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी रखते हैं, तो इस साल इंशाल्लाह हम लोग अभी आफ्टर फ्यू वीक्स जो है ना हम लोग गेट टुगेदर करेंगे, और अगर आप जो है ना तो देखेंगे कि किस बंदे ने क्या परफॉर्म किया। दोस्तों हमारे साथ दो और क्रिकेट के सुपरस्टार्स खड़े हैं यहाँ पे, और नंबर 1 तो पहले हैं हमारे साथ, मैं मुंबई इंडिया से, मुंबई इंडिया से हैं, और हमारे उमेर फ्रॉम कराची, उमेर फ्रॉम कराची। जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहली तो बात ये हो गई कि जिस तरह एक जो राइवलरी की बात की है, तो क्या यहाँ पे भी होती है? नहीं, इधर तो किधर होती नहीं है। वो नहीं, मेरे हिसाब से तो, मैं तो कभी नहीं, पर मेरे हिसाब से हमने तो कभी किया भी नहीं है राइवलरी। हम तो भाई भाई ज़्यादातर जो है जब आते हैं खेलने के लिए, जस्ट 2 आवर सेशन, तो ज़्यादा जेलिंग टुगेदर होती है, जितना खेल सकें साथ में, अच्छा टाइम गुजार सकें, बिकॉज अवे फ्रॉम वर्क एंड यू नो थिंग्स सारी होती हैं काफ़ी, है मैं तो ज़्यादा बेहतर होता है कि मिलकर खेल रहे हैं। चलो वो तो ठीक है, मिलकर खेल रहे हैं, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच है, उस दिन क्या फीलिंग है? तो शायद आप फोन नहीं उठाते होंगे। मैं एक्चुअली फोन ज्यादा उठाता हूँ, और मेरी तो ऑब्वियसली इंडिया को सपोर्ट तो होता ही है, पर मजा जब होता है जब मैं अपने भाइयों के साथ, पाकिस्तान भाई यहाँ पर जो है, मैं इनके साथ बैठता हूँ, और जो मैच जो होता है और उसमें जब होती है तो एक अलग माहौल होता है, मतलब थोड़ा एक छक्का मारते, तो भाई मैं गपचुप बैठ गया,
उन्होंने छक्का मारा तो वो गप शप हो गई तो इट्स अ बट इट्स अ फन इट्स अ बहुत फन बिल्कुल क्रिकेट लाइक ड्रिंक्स टुगेदर एग्जैक्टली बिल्कुल जबरदस्त है तो आप लोग कब से खेल रहे हो यहां पे उमर आप कब से खेल रहे हो मुझे स्कॉटलैंड में खेलते हुए तकरीबन 14 इयर्स हो गए आप तो लीग से भी खेल रहे हो मैं लीग से भी खेलता हूं मैं स्किल राइट को रिप्रेजेंट करता हूं प्रीमियरशिप की लीग थी अभी इस साल वो डिमोट हुए हैं बट सिंस 2014 मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ और आई नो आपका नाम पेपर्स में भी आया हुआ है और काफ़ी मेडल्स वगैरह भी जीते जी जी तो मैं जो है जब स्टार्ट में खेलना शुरू किया था ऑब्वियसली जब इंडोर टेप बॉल खेलते थे बिकॉज यहाँ का वेदर फेवरेबल नहीं होता नहीं होता मगर जब इस मैन भी स्टार्टेड प्लेइंगे तो मुझे जो है किसी लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ खेलिए आगे आई स्टार्टेड विद लाइक सेकंड 11 उनका फिर आई प्लेड फॉर द फर्स्ट 11 माशाल्लाह से आई केप्ट यू नो कैप्टन रहा मैं उनका 4 साल अच्छा जी एंड आई बेसिकली टुक दैट टीम टू द प्रीमियरशिप लेवल आई प्लेड इनफ वेरी गुड एंड नाउ इज जस्ट बेसिकली जस्ट यू नो स्पेंडिंग टाइम विद द फ्रेंड्स व्हाट अबाउट योरसेल्फ यू बीन प्लेइंग फॉर लॉन्ग आई हैव बीन लाइक फॉर 3 years प्ले विद दिस ब्रदर्स ओनली इंडोर एज वेल बॉक्स बट आई आल्सो प्ले फॉर ईस्टर्न थ्रू ओके हां ईस्टर्न थ्रू क्लास क्रिकेट टीम आई प्ले फॉर देम सेकंड डिवीजन So it's just a start, but it's good fun. And obviously, playing cricket, hardball, and but most important is indoor with the brothers. And I really enjoy that. ये तो हमारा बड़ा पुराना कुछ 10-12 साल से चल रहा है. विंटर्स में कोशिश करते हैं कि इंडोर खेल लें. और समर्स में तो आउटडोर होती है क्रिकेट बॉल से. तो बस थोड़ा सा ये भी है कि यहाँ पे थोड़ा सा गेट टुगेदर भी हो जाता है. सारे दोस्त मिल लेते हैं काम के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है तो काफ़ी अच्छा मिलना मिलाना है मतलब काफ़ी लोग आते हैं हम एडमरा से आते हैं कुछ दोस्त ग्लासगो से आते हैं मतलब आधा पौना घंटा ट्रैवल करके आते हैं लेकिन उसके बाद आपको जो रिवॉर्ड मिलता है सारे मिल लेते हैं एक दूसरे से और थोड़ी इन्जॉयमेंट भी हो जाती है इसके बाद कभी खाना भी हो जाता है कभी यहाँ से खाना भी खाने चले जाते हैं वेरी गुड लेट नाइट फीस अच्छा तो अगर किसी नए बंदे ने आ रहा हो मेरी तरह जो जिसको ज़्यादा क्रिकेट नहीं आती है वो क्या करें सिखाओगे फिर बिल्कुल यहाँ तो सारे दोस्त आते हैं ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ देखने आते हैं जो सिर्फ ऐसे आके खेलते हैं और कोई उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपको खेलना ज़रूरी नहीं आना चाहिए आप आते हैं आप बॉल करें आप बैटिंग करते हैं बैट करें आके ठीक है आपको कुछ भी आता हो लोग सिर्फ तफरी के लिए भी आते हैं कुछ बड़े ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ देखने आते हैं बैटिंग करने आते हैं आपने देखा यहाँ पे जी दोस्तों मेरे हम नाम मेरे साथ बैठे हैं इनका नाम भी फराज है तो ये दो फराज स्क्रीन पे आपको कैसा लग रहे हैं अब ये आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें लेकिन ये फराज जो हैं ये हैं हमारे क्रिकेटर और बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलते हैं इनको बहुत दफ़ा हमने देखा है खेलते हुए क्रिकेट हम सबको एक दूसरे को करीब लाती है बिल्कुल यहाँ पे आपको पेशावर का भी लड़का मिलेगा लाहौर का भी मिलेगा कराची का भी मिलेगा फैसलाबाद का भी मिलेगा सब यहाँ पे खेलने वाले हैं और इससे अभी यहाँ पे तो अभी हम इंडोर क्रिकेट खेल रहे हैं टेप बॉल आपको पता है पाकिस्तान की सही है यहाँ पे पाकिस्तान ही मिलेंगे शायद एक हमारे साथ अभी इस वक्त एक इंडियन भी मौजूद है जो हमारे साथ खेल रहे हैं वेरी गुड वैसे जब आउटसाइड अपनी समर में जो लीग खेलते हैं हम उसमें ये के सारे हमारे साथ लोकल स्कॉटिश वगैरह सपोर्ट हैं सब होता है और क्यों और फिर उसमें न्यूजीलैंड से और साउथ अफ्रीका से प्रोज भी आए हुए होते हैं ओके हाँ क्योंकि वहाँ पे तो फिर वो समर में विंटर हो जाता है ऑफ कोर्स तो फिर वो यहाँ पे आ जाते हैं वेरी गुड तो इस तरह हम लोग का सीज़न चलता है तो अभी अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल से स्टार्ट होगा तो चलिए फिर आपको दावा दूंगा कि आप लोग उसमें भी आए बिल्कुल यही मैं कवर करें तो दोस्तों हमने अब इंशाल्लाह आउटडोर इवेंट भी हमने कवर करना है तो ये तो एक इंडोर हो गया है तो इंशाल्लाह आउटडोर भी होगा तो आप मुझे ज़रूर बताएं इंशाल्लाह क्रिकेट से कम्युनिटी को किस तरह हेल्प मिल रही है जैसे मैंने आपको पहले बताया है अर्ज़ किया है कि लोग पूरे स्कॉटलैंड से आते हैं उसकी वजह से नेटवर्किंग भी होती है लोग दूसरे को जानते भी हैं खुशी गमी में भी शामिल होते हैं फिर जब लोग इवेंट करते हैं तो उसमें भी लोग शमूलियत करते हैं और एक अच्छा हम लोगों का एक सिस्टम एक नेटवर्क इधर बन गया और कभी कोई मसलन हम लोग किसी टूर्नामेंट में अगर हम लोगों ने जाना है तो हमारे पास 20-25 लोगों का पूल है जिधर से हम लोग पिक करते हैं फिर उनको आगे लेके चलते हैं और बेसिकली यू नो के क्रिकेट लविंग होम या क्रिकेट लविंग नेशन ठीक है वी नो वी अंडरस्टैंड क्रिकेट और इसी की वजह से क्रिकेट की वजह से हम लोग आपस में काफ़ी प्यार है लोग अब देखा है आपने जिस तरह लोग परफॉर्म कर रहे हैं देख रहे हैं लोग दूर दूर से आए हुए हैं लेकिन दे आर स्टिल वेरी एक्टिव यू नो दे आर स्टिल वेरी Going in the game. In the game. और ये भी दो घंटे इस तरह चलेगा दोस्तों लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए ये वीडियो को विद स्कॉटिस्तानी yeah!